शनि शनि चले जो शनिचर। 19 मई शनि जयंती और शनि अमावस्या। इस दिन देवी छाया और ग्रहों के राजा सूर्य के यहां शनि देव का जन्म हुआ था। इस साल ज्येष्ठ की अमावस्या को 19 मई को शनि जयंती पड़ रही है। दान पुण्य तो आप करें ही, वो तो आपको पूरे साल करने चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी वो कुछ खास उपाय करने हैं इस शनि जयंती पर, जो अगर आप अपनी लाइफ में दुख, लंबी बीमारी, पैसा नहीं टिकता, कर्जा है, फाइनेंस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, दुश्मन हैं आपके, और आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, आलसी रहते हैं आप, किसी काम में आपका मन नहीं लगता, हमेशा आपको ये लगता है जैसे आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, इन सब का उपाय आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूं। वीडियो को एंड तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। शनि जयंती के ये उपाय सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है। वो इसलिए कि अगर आपके नुमेरो चार्ट में या फिर आपकी कुंडली में शनि की पोजिशन ठीक नहीं है, शनि नीच अवस्था में बैठा हुआ है, क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हुआ और ज्यादा क्रूर हो रहा है, शनि की महादशा है, शनि की साढ़े साथी है, शनि की ढैया है, तो आपके लिए ये उपाय रामबाण साबित होने वाले हैं। जब भी शनि की साढ़े साथी या ढैया आती है तो बहुत लंबी बीमारी से आपको गुजरना पड़ता है, बनता बनता काम अचानक से ही बिगड़ जाता है। जब आपके अच्छे कर्म भी आपका साथ ना दें, आपको लगे कि चारों तरफ से आप जकड़े गए हैं, तो आपको शनि महाराज को खुश करने के लिए कुछ उपायों करने की जरूरत होती है। तीनों लोकों के न्यायाधीश देव, दानव और गंधर्व, ये भी इनके न्याय के जो प्रकोप से बच नहीं पाए तो इंसान की तो औकात ही क्या है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको शनि देव की साढ़े साथी से, ढैया से, शनि की महादशा से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराएं वो जिन्होंने गलत काम किए हैं। शनि की तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि से तो भगवान शिव भी नहीं बच पाए, रावण भी नहीं बच पाए, इंद्र भी नहीं बच पाए, मां सती भी नहीं बच पाई, तो आम इंसान की तो औकात ही क्या है। ये अपनी टेढ़ी दृष्टि उस पर रखते हैं जिसने गलत काम किए होते हैं, गलत कर्म करता है, और शनि धीमी चाल से चलते हैं। तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि ये न्याय भी करती है और कोप भी बरसाती है। अगर आपके नुमेरो चार्ट में और कुंडली में शनि के बुरे प्रभाव हैं और आपको भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बुरे प्रभाव नजर आते हैं शनि के, तो शनि जयंती शनि देव को, रूठे हुए शनि देव को मनाने के लिए एक बेस्ट दिन है। आपको पूरे साल तो दान पुण्य या उपाय करने ही चाहिए, लेकिन इस दिन कुछ खास उपाय मैं आपको बताने वाली हूं जो आप रूठे हुए शनि को इस दिन मना सकते हैं, और आप उन्हें प्यार से अगर इस साल हैप्पी बर्थडे बोल देंगे ना, तो वो अपना सारा गुस्सा कम करके आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बरसाएंगे। सबसे पहले तो शनि देव को मजदूर वर्ग, लोअर क्लास, हैंडीकैप्ड लोग, ब्लाइंड लोग, वृद्ध लोग, ये अगर आप इन सब पर दया दिखाते हैं, आप टाइम टू टाइम इनको कोई दान पुण्य करते हैं, कुछ ना कुछ डोनेशन करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, मैं कह रही हूं आपको बिना किसी स्वार्थ के, आप अगर कभी किसी को कुछ देते हैं तो उसका उपकार समझिए कि कोई आपसे कुछ ले रहा, लिस्ट में एक पुण्य का काम बढ़ा रहे हैं। तो आपको इस वर्ग को, मजदूर है, हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, वृद्ध है, शनि जयंती के दिन सुबह और शाम को आपको इनको जूता, चप्पल, छाता, तेल, दाल, खाने पीने का सामान और कुछ दान दक्षिणा इन्हें जरूर देनी चाहिए। साढ़े साथी में, शनि की ढैया में, शनि की महादशा में इतना घबरा जाते हैं, और बार बार मैंने उनके मुंह से एक वर्ड सुना है कि भाई शनि की साढ़े साथी में तो शनि ने हमारा तेल निकाल दिया। अब देखिए, तेल तो निकाल दिया, आप खुद भी तो अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपने क्या कर्म किए थे, आपको उन कर्मों के आधार पर ही तो अच्छा या बुरा फल मिलेगा ना। पहले आपको
शनि देव के लिए तो अपने कर्मों को अच्छा रखने की बहुत जरूरत है। अब इस 19 मई शनि जयंती पर आपको वो इफेक्टिव उपाय कौन से करने चाहिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया आपको गरीबों को आपको वो सब चीजें दान में देनी है, कुछ दक्षिणा भी उनको देनी है। उसके बाद कई क्लाइंट्स के मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं, नजर बाधा, नेगेटिविटी है ना, बहुत चीजें उनको अपने ऊपर फील होती हैं कि किसी ने कुछ किया कराया, टूना टोटका। अगर आपको ऐसी चीजें कुछ महसूस होती हैं, फील होती हैं, तो आपको क्या करना है, आप अपने ऊपर, अगर आपको खुद के ऊपर फील होती है तो खुद के ऊपर, नहीं तो उस इंसान या अपने घर के फैमिली मेंबर के ऊपर, आपको क्या करना है, रूई की एक बाती लीजिए। आपने देखा होगा ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं ना, ये पुराने जमाने में हमारी मम्मी दादी नानी ये सब कुछ करती थी, तो हम लोग उस वक्त हमें इन चीजों की समझ नहीं थी कि ये चीजें क्यों होती हैं, लेकिन वो चीजें बहुत इफेक्टिव होती थी। इस शनि जयंती पर आपको क्या करना है, रूई की एक बाती लीजिए, सरसों के तेल में उसको डुबोइए और उसे आप लेकर जाइए किसी ऐसे मंदिर में जहां पर अंदर पीपल का पेड़ हो। आपको चिमटे के साथ उस बाती को लटकाकर उसमें आग लगा दीजिए, लपटे बहुत तेज तेज जाए तो समझिए कि नजर लगी हुई है ना। तो आपको यही करना है और बस उस वक्त आपको वो बाती वहीं छोड़ के वापिस घर आ जाना है, मुड़कर नहीं देखना। दूसरा उपाय, आपको लगता है कि बनता हुआ काम आपका बिगड़ जाता है, पैसा आपके पास टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, तो आपको क्या करना है, सुबह आपको कच्चा सूत लेके जाना है और पीपल के पेड़ पे 7 बार आप उसको लपेट दीजिए, वहां पर धूप दीप उन्हें कीजिए, सरसों के तेल का दिया जलाइए आप पीपल के पेड़ के नीचे। सरसों के तेल के दिए में आप थोड़े से काले मां उड़द की जो दाल होती है वो और काले तिल डाल दीजिए। अब इसके साथ ही आपको क्या करना है, एक सूखा नारियल लीजिए, उस सूखे नारियल में आटे का और सूजी का और सतनजा, थोड़ी सी बूरा चीनी, बूरा खांड जिसको बोलते हैं, और थोड़ा सा देसी घी भी डालिए उसमें, मतलब आप एक पंजीरी टाइप जैसे हम लोग घर में बनाते हैं, तो आपने वो चीजें भरनी है सूखे खोपे में। आप उसको बंद करके आप पीपल के पेड़ के पास जहां पर चींटियां हो ना वहां पे रख दीजिए आप। इसके साथ ही आपको वहां बैठकर थोड़ी देर के लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप 5, 7, 10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो उतने टाइम पर आप इस मंत्र का वहां जाप करते हुए घर वापिस आ जाए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, शनिदेव को वो कौन सी चीजें बहुत ज्यादा प्रिय हैं जो आप इस दिन उन्हें अर्पित कर सकते हैं। ये जितने भी मैं आपको उपाय बता रही हूं ना, ये सारे उपाय आपकी किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए है। आपको शनि मंदिर जाना है, सुबह और शाम दोनों दिन जाइए उस दिन, और आप नीले पुष्प अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं, अपराजिता के फूल जिन्हें हम कहते हैं, वो आप उन्हें चढ़ाएं, नतमस्तक हो, शनिदेव के कभी भी बिल्कुल सामने खड़े होकर उनसे प्रार्थना और उनसे अपने कर्मों की क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, उनके साइड पर खड़ा होना चाहिए आपको। जब आप उन्हें सरसों के तेल का अभिषेक भी कर रहे हैं तो कभी भी शनि देव के बिल्कुल सामने आपको खड़े नहीं होना चाहिए, थोड़ा साइड पर खड़ा होना चाहिए। सरसों के तेल का अभिषेक आपको करना चाहिए, सरसों का तेल जब आप शनि देव पे डालते हैं तो शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं। वहीं पर मंदिर में दिया होता है, आप थोड़ा सा सरसों का तेल वहां पर भी डाल सकते हैं। काले तिल काले उड़द शनि देव को बहुत प्रिय है, थोड़े से आप मिट्टी के दिए में सरसों का तेल काले तिल काली उड़द की दाल थोड़े से डालकर आप वहां पर, पीपल का पेड़ ही पास में होता है, वहां पर दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं और शनि देव के सामने भी आप ये वाला दीप लगा सकते हैं। 1.25 मीटर काला कपड़ा लें, उसमें 1.25 किलो उड़द की दाल, काले उड़द जो होते हैं, उसमें थोड़े से आप काले चने मिक्स कीजिए और थोड़े से काले तिल, कच्चा कोयला और कोई भी लोहे की चीज, आप छोटी सी लोहे की चीज आप उसमें रख सकते हैं। आप इसको पोटली बांधिए, अपने सिर से आप इसको 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर शाम को पीपल के पेड़ के पास जाइए। मंदिर के अंदर अगर पीपल का पेड़ है तो बहुत अच्छा है, वहां पर जाइए आप, वहां पर वो पोटली रखिए और शनि के मंत्रों का जाप कीजिए।
ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद वो पोटली आप वहीं पर रखकर आ जाइए। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, आप वहां पर पीपल के पेड़ पर जहां पर सब देवी देवताओं का वास होता है उन्हें कहिए, प्रणाम करिए, हाथ जोड़िए, अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए, अपने कर्म आगे से सुधारिए, कर्म अच्छे रखिए और घर वापिस आ जाइए। देखिए ये सारे उपाय आपको जो भी करने हैं ना प्योर इंटेंशंस के साथ करने हैं, फुल फेथ के साथ करने हैं। ऐसा नहीं करना कि आपको कहा हुआ है तो आप कर रहे हैं, मन है नहीं है आपका करने का लेकिन आप बस कर रहे हैं और थोड़े दिन के बाद आप कह रहे हैं उसी उपाय को लेके मैंने तो किया था मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके अंदर आस्था है श्रद्धा है तभी आप उपाय कीजिए और आपको उपाय भी तभी लगेंगे जब आपके अंदर उन उपायों को लेके आस्था है श्रद्धा है, आपको वो चीजें बेकार नहीं लग रही। लोग उपाय भी करते हैं और फिर बाद में उनको बेकार भी बोलते हैं तो इससे ग्रह और ज्यादा नाराज होते हैं। उपाय तो लगते ही नहीं है, ग्रहों की नाराजगी झेलनी पड़ती है वो अलग से। और सबसे बड़ी बात, कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। शनि जो है वो कर्म प्रधान देवता भी है, ये काम कीजिए। घर में अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपने घर में मेड रखी हुई है काम करने के लिए तो कोई बात नहीं, आप उनसे काम करवाइए। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको खुद करने चाहिए जिससे शनि महाराज खुश होते हैं। कभी कभी आप अपने घर की सफाई स्पेशली ऑन सैटरडे, और अगर आप अपनी टॉयलेट खुद साफ करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ये जरूर करना चाहिए। अगर घर में कहीं आपको थोड़ा बहुत कोई जाला लग रहा है तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के पहले डस्टिंग और सफाई करके अपनी टॉयलेट साफ करके आप नहा धो के सिर धो के पूजा के बाद ये सारे काम कीजिए। फिर देखिए कैसे आपको शांति का अनुभव होता है, कैसे आपको कुछ दिन बाद लगता है कि हाँ आपके जो उपाय आपने किए हैं वो आपको काम कर रहे हैं। अगर आपको ये उपाय लगते हुए नजर आते हैं तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। और क्या आप इन उपायों को पहले से करते आ रहे हैं और क्या आपको इसमें फायदा लगता है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं और आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। शनि जयंती के अवसर पर ये उपाय ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने चाहिए। सिर्फ हमारा मकसद इनको अपने तक रखना नहीं है, जितने ज्यादा लोगों का आप भला करेंगे उससे कहीं गुना ज्यादा भला आपका होगा। तो शनि जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शनि महाराज ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि आप सब पर बनाए। जय शनिदेव।